अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं, सुकून देती हैं। केरल यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के लिए राहत भरा एक बड़ा ऐलान किया है। केरल यूनिवर्सिटी ने छात्राओं को पीरियड लीव के साथ ही मैटरनिटी ब्रेक देने की घोषणा की। केरल यूनिवर्सिटी ने 18 साल से बड़ी छात्राओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है। केरल सरकार ने इसी साल जनवरी में उच्च शिक्षण संस्थानों में मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड लीव और मैटरनिटी लीव देने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के बाद केरल यूनिवर्सिटी ने छात्राओं को प्रेगनेंसी की वजह से 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि छात्राओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेने के बाद फिर से एडमिशन कराने की जरूरत नहीं होगी। छुट्टी से वापस आने के बाद छात्राएं बिना किसी औपचारिकता के कॉलेज में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि कॉलेज प्रिंसिपल छात्राओं के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच कर उन्हें मैटरनिटी लीव दे सकते हैं। मैटरनिटी लीव से आने के बाद छात्राओं के लिए कोर्स की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा ताकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत अब तक 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन एक आदेश के तहत इसे घटाकर 73% कर दिया गया है। कोची टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी केरल सरकार के आदेश को लागू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। इससे पहले राज्य सरकार ने केरल में छात्राओं के लिए 60 दिनों की मैटरनिटी लीव की मंजूरी दी थी। केरल में कई विश्वविद्यालय फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मैटरनिटी और पीरियड लीव का प्रावधान शुरू कर रहे हैं। अगर ऐसी पहल सभी संस्थानों में होती है तो केरल अपने कॉलेजों में छात्राओं को मैटरनिटी लीव और पीरियड लीव देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आज के डिजिटल दौर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हैं। दरअसल ये वो तकनीक है जिसे कंप्यूटर साइंस का सबसे विकसित रूप कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एआई के जरिए एक कंप्यूटर मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर दी जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि एआई से लैस मशीन इंसानों की तरह खुद ही सारे काम कर सकती है। इसकी एक वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। होली से जुड़ी ये तस्वीरें किसी इंसान की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल मिड जर्नी से बनाई गई हैं। इन तस्वीरों में जो चेहरे हैं उनका वास्तविक जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं है, ये सभी काल्पनिक चेहरे हैं। जनरेटिव एआई के जरिए तैयार की गई होली की तस्वीरें मौजूदा डेटा का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं, यानी लर्निंग मशीन में होली से जुड़ी तस्वीरें और तमाम जानकारियां फीड की गई। इसके बाद एआई टूल ने डेटा की एनालिसिस करते हुए अपनी कल्पना से